हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर काइन मास्टर को ओपन कर लेना है, तो चलिए फटाफट हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर क्रिएट ए न्यू पे जाने के बाद 9.16 का रेशियो लेकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड इमेज क्लिक कर लेना है और इसके ड्यूरेशन को जितना बड़ा स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो उतना बड़ा कर लेना। तो आपको यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पे जाना है, मीडिया में जाना है और उसके बाद जिस भी फोटो से स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं उस फोटो को ऐड कर लेना है और इसको थोड़ा जूम कर लेना है, इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ओवरऑल एनिमेशन पे आपको यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोटिंग का जो ऑप्शन मिला है यह कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद इसको पूरे स्टेटस में कर लेना है और उसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जो भी लिया है इसे सब को डिलीट कर लेना है और डिलीट हो जाने के बाद फिर मीडिया में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट की हुई वीडियो को लेना है और एक्सपोर्ट की हुई वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर स्पीड पे जाकर 0.5 कर देना है, देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर जाना है, मीडिया में जाना है और एक वीडियो ऐड करना है जो टेम्पलेट है, तो चलिए डाल लेते हैं और इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। इतना हो जाने के बाद क्या है सबको यहाँ पर क्रोमा की पे जाना है और इसे इनेबल कर देना है, देख सकते हैं। इतना हो जाने के बाद गाइस इसे भी आपको पूरे स्टेटस में थोड़ा इसे इक्वल कर लेते हैं। एडजस्ट हो जाने के बाद इसे पूरे स्टेटस में कर लेना, तो चलिए कर लेते हैं। और उसके बाद गाइस आपको लेयर के ऑप्शन पर फिर क्लिक करना है और मीडिया में जाना है और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करना है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद इसे फुल स्क्रीन करके यहाँ पर ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाके कर लेना है स्क्रीन, देख सकते हैं। और इतना आ जाने के बाद इसके साउंड को कट कर देना है। उसके बाद फिर लेयर पर जाना है और मीडिया में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक लिरिक्स वीडियो ऐड करना है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। और इसे आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाके कर लेना है मल्टीप्ले और इसे आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ले आना है, देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको सेट कर लेना है। इतना आ जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपका वीडियो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो चलिए हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग वीडियो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।